नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार, प्राथमिक शाला महारानीपुर। शिक्षा के क्षेत्र में मैं 12 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ, डीएड, साथ में डीएड भी किया हुआ हूँ। और मेरा विद्यालय प्राथमिक शाला महारानीपुर स्कूल के सामने 13वीं 14वीं शताब्दी का पर्यटन के रूप में मंदिर स्थापित है। यह छोटा सा ग्राम पंचायत हो जाने के कारण दो खेमे में स्कूल बटा हुआ है। एक स्कूल वही गांव में ही लगता है, और खास महारानीपुर में, और एक स्कूल महारानीपुर देवर के पास में लगता है। तो वहां के बच्चे यहां तक पैदल आ जाते हैं। और मेरी समस्या यह है कि बच्चे के जो पालक हैं वो मजदूर वर्ग और कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। इस कारण बच्चे का जो दर्ज संख्या है उसमें, जैसे खेती के टाइम में शुरुआत, जैसे जुलाई अगस्त में कुछ कमियां होती है आने में। और ZII प्रशिक्षण, शून्य निवेश नवाचार प्रशिक्षण से बच्चे बहुत कुछ खेल खेल के माध्यम से अच्छी तरह से स्वयं करके सीख रहे हैं। सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बस उसमें कुछ नया सोच विकसित करने की आवश्यकता है। इनोवेटिव पाठशाला प्रशिक्षण से बच्चे तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, साथ साथ हमको भी उसका बहुत कुछ लाभ सीखने का अवसर मिल रहा है। प्रशिक्षण के लाभ हैं कि ZII के प्रशिक्षक ओम सर के द्वारा बीच बीच में वेबिनार कर अच्छे मार्गदर्शक के रूप में जहाँ भी परेशानी होती है उसका समाधान पर्सनल कॉल के माध्यम से भी कर उसका समाधान करते हैं। वे बहुत ही सरल स्वभाव, मृदुभाषी व्यक्तित्व और ऊर्जावान के धनी हैं। मैं उनको सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं कला से तो शुरू से जुड़ा हुआ था, तो फिर इसमें आने के बाद में उस प्रशिक्षण से मेरे को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। उसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छा मेरे लिए, अक्षरों से चित्रांकन, उसी के माध्यम से मैं बच्चों को अक्षरों के द्वारा चित्र बनाकर खेल खेल में कोशिश करता हूँ बच्चों को कुछ नया देने के लिए। मेरा विद्यालय जिले के टॉप मॉडल विद्यालय के रूप में आ सकता है। यहाँ बच्चे खेल खेल में बच्चे के अंतर भावनाओं का यहाँ सम्मान किया जाता है, और बच्चे अपनी मन की बातें कहने में थोड़ा सा भी नहीं डरते हैं, संकोच भी नहीं करते। निडर अपनी भावनाओं को खेल खेल में कह देते हैं। हम बच्चों की इन भावनाओं को नई ऊंचाइयों को छूने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत सादर धन्यवाद।